हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण में 17 जनवरी को मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। राजधानी शिमला के साथ लगती पंचायत भोंट में भी मतदान हुआ। यहां 3 पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं ने मतदान किया। इस पंचायत में लगभग 1400 मतदाता है जिन्होंने रविवार को अपने मत का प्रयोग किया है। पंचायती राज चुनाव के लिए प्रथम चरण के मतदान में लोगों ने खूब उत्साह दिखाया। लोकतंत्र के इस महाकुंभ में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया। शिमला के साथ लगती पंचायत भोंट में भी मतदान संपन्न हुआ। इस मौके पर कई मतदाता ऐसे थे जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। इन मतदाताओं ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली बार उन्होंने लोकतंत्र के इस महाकुंभ में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने वोट दिया है जो गांव का विकास करवाने में सक्षम है। मेरा नाम अंजलि चौहान है और आज मेरी फर्स्ट वोट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वोट देके। कैसी पंचायत आपको चाहिए? हमें ऐसी पंचायत चाहिए जो गांव का विकास कर सके और कैंडिडेट कोई ऐसा हो जो हमारी जनरेशन का हो, जो सबको साथ लेकर चल सके। तो आज आपने फर्स्ट वोट डाला है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट वोट देके। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं किरण ठाकुर ग्राम पंचायत भोंट की सदस्य हूं। मैं आज मतदान देकर आई हूं। मेरा सबसे पहला मोटिव यह रहेगा कि जो हमारी सड़कें हैं और जो यदि बात करें हम पानी की या बात करें सिंचाई की, तो यहां पे लोगों को कई दिक्कतें सामने आती है। वहीं भोंट पंचायत के पूर्व प्रधान बलदेव ठाकुर ने कहा कि उनके कार्यकाल में भी काफी विकास कार्य पंचायत में हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली कार्यकारिणी के जो भी सदस्य होंगे उन्हें उनसे उम्मीद है कि वे भी बेहतर कार्य करेंगे। मैं खुद भी 2006 से जो हूँ यहाँ पे इस पंचायत में प्रधान बना था, तो मैंने कोशिश करी, जो लोगों ने मुझसे अपेक्षाएं रखी थी उस समय मैं खरा उतरूँ। उस समय हमने काफ़ी जो है 2006 से 11 का जो कार्यकाल था, पहले कार्यकाल में बहुत ज़्यादा, जैसे जो गवर्नमेंट अब आजकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोंटे मेरे समय में हुआ था, दूसरी जो एवरसनी गोलचा भोंट सड़क ये हमने लाई थी, और जो स्वच्छता में हमने बहुत ज़्यादा काम उस समय किया। निर्मल ग्राम पुरस्कार जो राष्ट्रपति की तरफ से इस पंचायत को मिला था, और भी बहुत से हमने कार्य जो इस पंचायत में किए। और उसके बाद जो भी प्रधान बने उन्होंने भी अपनी क्षमता के अनुसार काम किए, लेकिन जब इस बार अभी जो है मतलब समय और ये जो डिजिटल इंडिया चला है, लोग बहुत तेज़ी से विकास चाहते हैं, और जो इस बार प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनसे भी लोगों की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और मेरी जो उम्मीदवार चुनकर आएंगे उनको पहले से शुभकामनाएं हैं कि जो भी, जैसे कि मैं पहले प्रधान रहा हूं, कुछ मुझसे वो अपनी मदद चाहेंगे, कोई सलाह चाहेंगे, तो मैं ज़रूर उनके साथ खड़ा रहूँगा। वहीं मतदान करने आए अन्य लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि ऐसा प्रतिनिधि चुनकर आए जो पंचायत को चहुमुखी विकास की तरफ ले जाए। और मैं आज पोलिंग बूथ में वोट कास्ट करने आया हूँ, और हमारे को पंचायत चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो गांव का विकास करे और अच्छे पढ़े लिखे हो और अच्छी सोच हो और गरीबों के हित में काम करे। इसमें हमारी यही कोशिश है और हम लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर लाएं जो 5 साल में पंचायत का और अपने इलाके का विकास सुनिश्चित कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।